se gali aici. Ia trimis aici clasul lor. स्पेशल यहाँ पे आई हूँ सिर्फ आपको यहाँ का खूबसूरत व्यू दिखाने के लिए। ये स्कूल की बिल्डिंग है सारी यहाँ की, और ये देखिए जी बहुत ही खूबसूरत व्यू है। सही कहते हैं ना स्विट्जरलैंड को दुनिया की जन्नत, तो ये वाकई ही जन्नत है। ये जो आपको नीचे नज़र आ रही है सब अंगूरों की बेलें हैं, काला अंगूर और ग्रीन वाला जो होता है वो लगते हैं। वो जो आपको पानी में नज़र आ रहा है ना, एक तरह की ये बिल्डिंग बनी हुई है, जब आपको ज़रा क्लियर हुआ है, ये यहाँ का 5-स्टार होटल है और ये सब रूम्स हैं इनके, और इतने खूबसूरत हैं ये। मैं कभी आपको साइट पे जाके दिखाऊंगी कि ये रूम सारे जो हैं लेक के ऊपर बने हुए हैं, यानी नीचे पानी है और ऊपर रूम है, और काफ़ी महंगा होटल है ये, रेस्टोरेंट प्लस होटल है। और ये है जी, ये देखें ये है बस स्टॉप साथ ही बिल्कुल, और उसके साथ साथ देखें ये इन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे लगाए हुए हैं। और ये इस वक्त इसके ऊपर से टूटा हुआ है, ये शीशा प्लास्टिक का डोर सा बनाया हुआ है, और जगह जगह पूरी सिटी में हमारी, बाकी सिटीज़ का मुझे नहीं पता, मुझे अपने सिटी का पता है कि ये जो जिन लोगों को बुक्स नहीं चाहिए या वो इस्तेमाल कर चुके हैं, सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, तो वो इसमें शेल्फ में डाल जाते हैं, इस रैंक में डाल जाते हैं। तो लोग फिर आते जाते हैं, जिसको जो बुक चाहिए होती है या उसकी पसंद की होती है वो लोग फिर फ्री यहाँ से उठा के ले जाते हैं और अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। तो ये बड़े अच्छे आपको जगह जगह यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्टैंड लगे हुए हैं, पहाड़ों के ऊपर भी कुछ बादल नीचे आए हैं। ये मैं आई हूँ बालकोनी में थोड़ा सा हरा धनिया लेने के लिए, और ये पौधों को अभी तक मैंने गमले में नहीं लगाया, इनको मैंने पानी दिया, और वो देखिए कितना हरा भरा हुआ हुआ मेरा हरा धनिया। ये देखें इसको मैं थोड़े से पत्ते इसके निकालने हैं, लेने हैं किचन में यूज़ करने के लिए। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना हरे धनिए की, इसको पानी भी दे दो। ये देखिए जी कितना ढेर सारा हरा धनिया निकल आया। ये मैं आज इफ्तारी में कोई नई चीज़ नहीं बना रही, ये कल का बैटर पड़ा हुआ था मेरे पकौड़ों का, मैं वो बना रही हूँ, और ये कल का कीमा आलू पड़ा हुआ था वो बना रही हूँ, और परसों के दाल चावल फ्रिज में पड़े हुए थे वो हैं, दही का रायता है, ये सब चीज़ें मैं आज इस्तेमाल करूँगी। ये है जी मेरी आज की इफ्तारी, और आज इफ्तारी में मैंने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ ये सलाद बनाया है, ये चटनी भी कल की है, समोसों का जो बैटर था वो कल का बना हुआ पड़ा था फ्रिज में, थोड़े से समोसे बना लिए हैं, और ये परसों की दाल है, और वो कल शाम को जो अफ्तारी में मैंने आलू कीमा बनाया था वो है, उबले हुए चावल हैं वो साथ उपलगा के साथ है, और इधर रोटी है। और आज मैंने इसीलिए नहीं बनाया कि
कि इतनी चीज़ें फ्रिज में पड़ी हुई हैं तो उनको ज़ाया तो मैंने कभी भी नहीं होने देना था। और बेटा भी मेरा आज घर नहीं था, वो ज़्यूरिख गया हुआ है, तो हम बस 3 लोग ही थे। तो मैंने कहा इन चीज़ों को ज़ाया करने से बेहतर है कि आज की इफ्तारी में इनको खाया जाए, ना कि इनको ज़ाया किया जाए। और यहाँ पे आपको पता है कि कोई ऐसा फ़कीर या कोई ऐसा गरीब बंदा तो होता नहीं है कि जिसको आप उठा के डेली की डेली जो ताज़ी चीज़ें बचती हैं वो इंसान दे दे उनको, तो फ्रिज में इकट्ठी होती रहती हैं। तो इसलिए आज मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बनाया। और सही पूछें तो ये मेरी एक बड़ी अच्छी यूट्यूबर हैं, यूके में होती हैं, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, उन्होंने आज वीडियो बनाई अपनी ग्रॉसरी की, और उन्होंने साथ ये बात कही भी, उन्होंने कहा कि प्लीज़ मैं उन लोगों से माजर चाहती हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है ग्रॉसरी की वीडियो बनाते हुए, लेकिन लोगों की रिक्वेस्ट होती है तो मुझे बनानी पड़ती है, लेकिन मैं उन लोगों से माजर चाहती हूँ। जाहिर बात है कि हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता चीज़ ना, इतना खाना पीना। और हम लोगों पे तो बड़ा खुदा का फजल है कि बिन मांगे खुदा ताला इतनी चीज़ें हमें देता है। तो बड़ी प्यारी मुझे उनकी बात लगी, उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों से माजर चाहती हूँ कि प्लीज़ जो लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते वो मेरी ये वीडियो देख के खुदा रा मुझे बदवा ना दें या कोई ऐसी बात ना कहें, मेरी मजबूरी है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ तो मुझे ये ग्रॉसरी के लिए लोग कहते हैं कि वीडियो भी अपलोड किया करें, तो मैं कर रही हूँ। तो मुझे बड़ी प्यारी उनकी ये बात लगी, तो इसलिए फिर मैंने भी आज सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाऊंगी जो बची हुई हैं, आज मैं उन्हीं को फ्रिज में से निकाल के ख़त्म करूंगी।